राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त पीना। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर वहाँ पे आपने देखा होगा भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2 सांख्य योग, उसका श्लोक नंबर 40 और 41। आज के वीडियो में है भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 42 और 43। तो श्लोक शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। ओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आज का श्लोक है श्लोक नंबर 42, जो है यामि माम पुष्पितं वाचम् प्रवोदन्त्य विपश्चितः वेदवदारथ पार्थ नन्यादास्तिति वादिनः। श्लोक नंबर 43 जो संस्कृत श्लोक है, कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्य गतिम प्रति। इसका जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for evaluation to heavenly planet, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous to sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than that. इसका जब हम लोग हिंदी में मतलब पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी मतलब कुछ इस तरह से है। यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बताते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति असल ज्ञान की खोज ना करके जो वेदों में दिया गया ज्ञान है, जिसमें कहा गया है कि स्वर्ग ही सब कुछ है और स्वर्ग के आगे कुछ नहीं, और स्वर्ग प्राप्त करने हेतु हमें अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, जिस वजह से हमें स्वर्ग लाभ होता है, अच्छी जीवन प्राप्त होती है, सुख सुविधाएं मिलती है, और स्वर्ग जाने हेतु हम मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं, कुछ अच्छा पाने के लिए अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो एक इच्छा से वो एक कर्मा के रूप में आ जाता है। लेकिन व्यक्ति इस असल ज्ञान से परिचित नहीं है कि स्वर्ग के आगे भी और एक दुनिया है, स्वर्ग हमारा अंतिम स्थान नहीं है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि हमें अपने सोच को सिर्फ स्वर्ग तक नहीं रखना है, हमें स्वर्ग से आगे जो मुक्ति का मार्ग है उस राह पे चलना है, बिना कोई इच्छा, बिना कोई ख्वाहिश मन में लिए, क्योंकि भगवान जी हमें जो चाहिए वो हमें दे के रहते हैं, और जो हमारे लिए नहीं है उसे प्राप्त करने की ख्वाहिश हम ना करें। तो इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल का सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय गीता जय गीता जय गीता।